एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजपंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेके आओ, वरना आपको अभी तक जो भेंट धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत गए, राजपंडित को उत्तर नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की ओर गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राजपंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राजपंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ, एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजपंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राजपंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा, गडरिया बोला। राजपंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजपंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा? तो जाओ, गडरिया बोला। राजपंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को, गडरिया बोला। वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूंगा फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजपंडित ने खूब विचार करके कहा, है तो बड़ा कठिन लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआ है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता, जैसा कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। लालच से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और ना आगे कभी होगा। कर भला तो हो भला।